वेलकम आदाब नमस्ते सत श्री अकाल। मेरा नाम है प्रियंका पंसवाल और आप देख रहे हैं पंसवाल्स क्रिएशन। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का टॉपिक जो है उसके पीछे है एक छोटी सी प्यारी सी मेरी लाइफ की स्टोरी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो कुछ टाइम पहले यानी कि फरवरी में जब हमारा देश कोरोना मुक्त था तब मैंने और मेरे हस्बैंड ने हमारी फर्स्ट मैरिज एनिवर्सरी के लिए एक ट्रिप तैयार किया था। छोटा सा वेकेशन था हमारा दुबई के। तो वो ट्रिप ना सिर्फ मेरा और मेरे हस्बैंड का फर्स्ट ट्रिप था, वो मेरा फर्स्ट फॉरेन ट्रिप था, वो मेरा फर्स्ट एयर फ्लाइट एक्सपीरियंस भी था एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट मेरा वहां पर फर्स्ट बीच एक्सपीरियंस भी था। एंड आई टेल यू आई लव द प्लेस, आई लव द बीच एंड द एटमॉस्फेयर, वहां की हवा, वहां का एनवायरमेंट, वहां पर लोग जिस तरीके से एंजॉय कर रहे थे, एवरीथिंग वाज अमेजिंग। बट सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो मैंने वहां जाकर करी थी उन प्यारी प्यारी छोटी छोटी मेमोरीज के बीच में वो था वहां पर शेल्स इकट्ठा करना। जी हाँ, मैंने वहां जाकर एक पूरा पैकेट भरकर शेल्स इकट्ठे किए थे। माई हस्बैंड वॉज लाफिंग ऑन मी, व्हाट आर यू डूइंग एंड ऑल, एंड आई वॉज वेरी हैप्पी देयर। वो शेल्स इकट्ठे मैंने किए थे। तो जब मैं वापस इंडिया आई थी तो मेरे पास छोटी छोटी प्यारी मेमोरीज के साथ में था एक बहुत बड़ा पैकेट शेल्स का जो मैंने वहां से कलेक्ट किया था, सिर्फ और सिर्फ अपने घर को, अपने होम को एक ऐसा डेकोर देने के जो मुझे हमेशा याद रहे कि मैं वहां पर मैंने जुमारा बीच विजिट किया और वहां बीच के कामनेस और वहां की मेमोरीज को मैं अपने घर में कलेक्ट करके एक डेकोर पीस की तरह रख सकूं। अगर आपके पास शेल्स नहीं है और आपको लगता है कि दिस वीडियो विल बी द वेस्ट ऑफ टाइम, देन नो प्लीज वेट। आप वो सारी DIYs अपने अखरोट के छिलके से यानी कि वॉलनट के छिलके से, आउटर कवरिंग से, पिस्ता के छिलके से भी आप बना सकते हैं। तो प्लीज देखिए, वीडियो शुरू होने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बिना कहीं मत जाइएगा। ये सच में बहुत जरूरी है। आपका एक छोटा सा सपोर्ट, आपका छोटा सा एक काम बहुत मोटिवेट करता है मुझे अपने ऑफिस आवर्स, अपने घर के काम के अलावा अपने पैशन को फॉलो करने के लिए, आपके सामने कुछ प्यारी सी वीडियोस लाने के लिए और आपका ढेर सारा प्यार पाने के लिए। सो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड शेयर करिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में। थैंक यू। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारे पहले DIY के लिए सबसे पहले हमने 25x25 सेंटीमीटर के दो कार्डबोर्ड पीसेस लिए हैं और दोनों को व्हाइट ग्लू से अटैच कर लिया है। उसके बाद व्हाइट बुकरम शीट से इसे कवर कर लेंगे और हमारा इस तरीके से 0 रुपीज का कैनवस बोर्ड रेडी हो जाएगा। और अब हम हमारे कैनवस बोर्ड पर एक प्यारा सा स्केच बनाएंगे पेंसिल की हेल्प से, इस तरीके से। और इसके बाद हेयर की जगह पर हम यूज करेंगे अपने शेल्स। सबसे पहले हम इन्हें फेविकोल या ग्लू गन की हेल्प से स्टिक कर लेंगे और अगर दो शेल्स के बीच में स्पेस रहेगा तो उसे ग्लू से फिल कर लेंगे। अब एक प्यारा सा बो रेडी करने के लिए दो बड़े शेल्स हम लेंगे और इस तरीके से कलर कर लेंगे और इस तरीके से ग्लू गन की हेल्प से इन्हें अटैच कर लेंगे। अब फेविक्रिल एक्रिलिक कलर से मैं इसको पेंट कर रही हूँ। ये देखिए, हमारा पेंटिंग रेडी है। इसे हैंग करने के लिए एक क्यूट रोप को पीछे ग्लू गन की हेल्प से स्टिक कर लेंगे एंड ये प्यारी पेंटिंग आपके रूम को देगी एक क्रिएटिव और क्यूट लुक। हाँ,
हमारे सेकेंड DIY के लिए हम ले रहे हैं ये 3 राउंड कार्डबोर्ड पीसेस और इन्हें हम स्टिक कर लेंगे फेविकोल की हेल्प से। इसके बाद हम इसे स्ट्रॉन्ग बेस देने के लिए ब्लैक एंड व्हाइट सीमेंट के मिक्सचर को यूज करके सारे गैप्स को फिल कर लेंगे अच्छे तरीके से। अगर आपके पास ब्लैक सीमेंट नहीं है तो आप इसे अवॉइड करके व्हाइट सीमेंट भी यूज कर सकते हैं। इसके ड्राई होने के बाद हम व्हाइट सीमेंट यूज करेंगे। इसमें मैंने थोड़ा सा ब्लू एक्रेलिक कलर मिक्स कर लिया है और इससे सिंपल डल व्हाइट सीमेंट का लुक एकदम चेंज हो गया है। अब हम एक एक करके अपने शेल्स को इस तरीके से इस पर स्टिक करेंगे। बिल्कुल अपने मर्जी के हिसाब से आपको जैसा अच्छा लगे छोटे एंड बड़े शेल्स को जस्ट स्टिक कर दीजिए और व्हाइट सीमेंट को अच्छे से लगा दीजिए। इसके ड्राई होने के बाद मैंने कुछ ब्लू कलर के स्टोन्स यहाँ पर स्टिक कर दिए हैं और थोड़े से बीट्स बना लिए हैं व्हाइट ग्लू गन की हेल्प से। हमारे थर्ड DIY के लिए हम एक नॉर्मल प्लास्टिक प्लांटर पोट ले रहे हैं और ग्लू गन की हेल्प से सारे शेल्स को स्टिक कर लेंगे इस तरीके से। यहाँ भी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होगा कि कौन से शेल को किधर लगाना है, जस्ट अपनी मर्जी से आपको जो सही लगे वैसे लगा लीजिएगा। अब व्हाइट सीमेंट का हम थोड़ा सा पेस्ट लेंगे और सारे गैप्स को इससे फिल कर लेंगे। और जब व्हाइट सीमेंट थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा तो एक डैम्प क्लोथ की हेल्प से एक्सेस सीमेंट को सेंस पर से वाइप आउट कर देंगे। हमारे फोर्थ DIY के लिए हम ले रहे हैं इस तरीके के 3 राउंड कार्डबोर्ड पीसेस। अब इन 3 कार्डबोर्ड पीसेस को अपने कलर चॉइस के वूल यानी ऊन के साथ हम कवर कर लेंगे इस तरीके से। दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि कोई भी गैप बीच में रह ना जाए। और इसी तरीके से बाकी 2 पीसेस भी हम कवर कर लेंगे। अब हम इसी वूल के 3 कलर 3 स्ट्रिंग्स और लेंगे और टाई कर लेंगे इस तरीके से और अपने शेल्स के पोजीशन डिसाइड करेंगे कैसे उन्हें अटैच करना है। और इसके बाद हम बिना किसी एक्स्ट्रा पैसा लगाए ब्यूटीफुल हैंगिंग्स बनाएंगे बटन्स की हेल्प से और इन्हें भी शेल्स के नीचे स्टिक कर देंगे। इसके बाद ग्लू गन की हेल्प से हम स्ट्रिंग को यहाँ पर इस तरीके से लगा रहे हैं, अटैच कर रहे हैं और वो जो स्टोन से हम बटन्स बनाए हैं उसको भी यहाँ पर स्टिक कर देंगे। अब 3 शेल्स हम और लेंगे और पहले वाली शेल्स पर ही इन्हें स्टिक कर देंगे ग्लू गन की हेल्प से इस तरीके से और एक्सेस पार्ट को स्ट्रिंग्स के कट कर लेंगे। हमने तीनों ही कार्डबोर्ड पीसेस को इस तरीके से बना दिया है। अब हम एक कार्डबोर्ड पीस पर
गणेश जी की ये प्लास्टिक डिजाइन लगा रहे हैं जो इजीली आजकल किसी भी मैरिज कार्ड पर लगा हुआ होता है, अवेलेबल होता है। थ्रेड की हेल्प से मैंने इसको लगा लिया। हमारे सेकेंड कार्डबोर्ड पीस को हम DIY ड्रीम कैचर बना रहे हैं और इसके लिए मैं एक इसी वूल कलर की थ्रेड का यूज कर रही हूँ। यहाँ पर 5 पॉइंट्स मैंने सेलेक्ट किए हैं। 5 पॉइंट्स को इस तरीके से मैंने थ्रेड से लगा दिया है। अब उन्हीं थ्रेड के बीच वाले पॉइंट को मैं फिर से लूँगी। इस तरीके से देखिए, यहाँ पर मैं इसे टाई कर लेती हूँ और दूसरी साइड्स के बीच के मिड पॉइंट को भी इसी तरीके से हम बनाएंगे और एक नेट का डिज़ाइन इस पर बन जाएगा। थर्ड कार्डबोर्ड भी हम इसी तरीके से बनाएंगे, बस बीच में एक स्टोन को हैंग कर देंगे। अगर आपको मेरे DIYs पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें बिना मत जाइएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आई विल बी बैक विद अ फन वीडियो नेक्स्ट वीक, तब तक के लिए धन्यवाद।